क्या इंडियन फुटबॉल टीम इस अक्टूबर विंडो में एक भी फ्रेंडली मैच नहीं खेल रही? क्या इंडिया वियतनाम के अगेंस्ट नहीं खेल रही? क्या लेबनान ट्रेवल करेगी वियतनाम में? एंड क्या इंडिया का मैच शिफ्ट हो गया है अगेंस्ट वियतनाम? काफी सारी कंफ्यूजन है इंडियन फुटबॉल फैंस को इससे रिलेटेड कि भैया इंडिया के मैचेस कब है, कहाँ पे है, कौन खेल रहा है हमारे साथ, लेबनान ट्रैवल कर भी रही है नहीं, क्या हम वियतनाम के साथ भी खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, वो मैच शिफ्ट तो नहीं हो गया। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोज मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब यार। सो यस, काफ़ी कुछ हुआ है पिछले एक दो दिनों में रिलेटेड अवर इंटरनेशनल फ्रेंडलीज ऑफ अक्टूबर। एंड इंडियन फुटबॉल टीम, जो लेबनान के साथ हमारा मैच होना था वो नहीं होगा। लेबनान ने पोल आउट कर लिया है ट्राई नेशन सीरीज से, जो कि अब ट्राई नेशन सीरीज रह नहीं गई है क्योंकि लेबनान अब नहीं आ रही है वियतनाम। अब वियतनाम फुटबॉल फेडरेशन ने हमको एक ऑफर दी थी AIFF को, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को, कि देखो भैया लेबनान तो आ नहीं रही एंड इतने कम नोटिस पे हम किसी और टीम को बुला भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इतने शॉर्ट नोटिस पे कोई भी टीम आने को तैयार नहीं होगी, क्योंकि प्रिपरेशंस करने होते हैं, टिकट्स करनी होती है, ट्रेनिंग करनी होती है, तो वो नहीं हो पाएगा। तो अब यही है जो भी है। तो क्या आप हमारे साथ एक और अनऑफिशियल फ्रेंडली खेलना चाहते हो? ये वियतनाम फुटबॉल फेडरेशन ने प्रपोजल दिया था। या क्या आप अपना जो इंडिया वर्सेस वियतनाम का मैच है उसको आगे शिफ्ट करवाना चाहते हो ताकि आपको 4 से 5 दिन का कैंप मिले? तो यहाँ पे इंडिया वियतनाम के साथ ही 2 मैचेस खेल सकता था, एक मैच जो ऑफिशियली था 9 अक्टूबर के टाइम पे, एंड एक 12 अक्टूबर को भी इंडिया खेल सकता था बिहाइंड द क्लोज डोर्स अगेंस्ट वियतनाम, जिसमें रैंकिंग्स पे इतना फर्क ना पड़ता क्योंकि वो अनऑफिशियल फ्रेंडली होता हमारा। बट यहाँ पे AIFF ने डिसाइड करा है कि जो 9 अक्टूबर वाला कन्फर्म्ड ऑफिशियल फ्रेंडली था हमारा वियतनाम के अगेंस्ट, उसको आप 12 अक्टूबर को शिफ्ट कर दो। तो यहाँ पे वियतनाम फुटबॉल फेडरेशन ने वो दरख्वास्त, वो रिक्वेस्ट मान ली है AIFF की। अब जो 9 अक्टूबर को मैच होना था वियतनाम के साथ, वो हमारा अब 12 अक्टूबर को होगा। अब इससे फायदा ये होगा इंडियन फुटबॉल को कि हमारा जो कैंप होगा वो 4 से 5 दिन और लंबा हो गया अंडर मानोलो मार्केज, जो पहले हम 1 या 2 दिन के ही कैंप के बाद हम वियतनाम को खेलने वाले थे 9 अक्टूबर को, अब वो नहीं होगा। हमारी टीम 7 अक्टूबर को पहुंच जाएगी वियतनाम, जिसके बाद 10-11 अक्टूबर तक हम कैंप कर पाएंगे, 4 से 5 दिन का कैंप, जो कि अंडर मानोलो मार्केज हमको इतना देखने को नहीं मिला है कि हमको ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को मिला हो प्लेयर्स एंड कोच को साथ में। बट यहाँ पे अगर देखा जाए, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास ये अच्छा मौका था एक अनऑफिशियल फ्रेंडली खेलने का अगेंस्ट वियतनाम, जिससे कि हम अपने जो नए प्लेयर्स जिनको हमने बुलाया है हम उनको भी खिला सकते थे उन अनऑफिशियल फ्रेंडली में राइट फ्रॉम द फर्स्ट मिनट, एंड हम देख सकते थे उनकी कैपेबिलिटीज, उनकी एबिलिटीज, एंड एज अ कोच मेरे को थोड़ी और क्लियरिटी मिलती उस अनऑफिशियल फ्रेंडली में अगर हम खेलते वियतनाम के अगेंस्ट, कि भैया ये जो मैंने प्लेयर्स नए बुलाए हैं या जो ये पुराने प्लेयर्स हैं ये रहने लायक भी है हमारी इंडियन टीम में या नहीं। तो अगर हम अनऑफिशियल फ्रेंडली भी खेलते एक वियतनाम के साथ तो काफ़ी क्लियरिटी मिलती, क्योंकि उसमें पॉइंट्स डिडक्ट हमारे नहीं होते या पॉइंट्स हमको नहीं मिलते हैं फीफा रैंकिंग्स में, वो अनऑफिशियल फ्रेंडली था। तो वहाँ पे हम कुछ भी टेस्ट कर सकते थे, किसी भी प्लेयर को उतार सकते थे, गोल कीपिंग में हम किसी को भी मौका दे सकते थे, जितने मर्जी सब्स्टिट्यूशन हम कर सकते थे अगर हम अनऑफिशियल फ्रेंडली खेलते तो। क्योंकि यहाँ पे 2 दिन ज़्यादा कैंप करके कुछ आई डोंट थिंक कि इतना ज़्यादा बेनिफिट्स हमको आने वाले टाइम में मिलेंगे, जहाँ पे हमको 2 दिन का कैंप मिल रहा था अब हमको 4 दिन का कैंप मिल गया, तो सिर्फ 2 दिन ही बढ़े हैं हमारे। बट यहाँ पे एक अनऑफिशियल फ्रेंडली अगेंस्ट वियतनाम काफ़ी ज़रूरी हो सकता था, जिसमें फीफा रैंकिंग्स का कोई प्रेशर ना होता, Pot 1 से Pot 2 में फिसलने का कोई डर ना होता, प्लेयर्स को भी पता होता है कि हम अपने फुल एक्सप्रेस अपने आप को कर सकते हैं क्योंकि ये एक ऑफिशियल फ्रेंडली नहीं है। बट यहाँ पे अब अक्टूबर की विंडो में
सिर्फ हमने एक ही फ्रेंडली खेलना है, वो है अगेंस्ट वियतनाम, एंड दैट इज ऑन 12th of October 2024 एंड 4:30 PM इन द आफ्टरनून इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मैच शुरू हो जाएगा। बाकी डू लेट मी नो योर थॉट्स कि क्या हमको एक अनऑफिशियल फ्रेंडली भी खेलना चाहिए था वियतनाम के अगेंस्ट, ऐसे में हम उनको दो फिक्स्चर्स खेल सकते थे उनके अगेंस्ट, या नहीं एक ही फ्रेंडली बहुत है। डू लेट मी नो योर थॉट्स। तो यही थी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन,